Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming. So be an I-Fight. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है और इस तरह की जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है. डोर टू डोर कलेक्शन यूजर चार्जेस पर आधारित है. जब जब हाउस होल्ड से यूजर चार्जेस उनको जितना मिल रहा है उतना ही उनके द्वारा जमा किया जा रहा है. बाकी नगर निगम उनको हेल्प कर रहा है क्योंकि नगर निगम का काम है डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करना. नगर निगम का काम है इसलिए हम उनको हेल्प करते हैं. 40% मिनिमम यूजर चार्ज उनको वसूलना था जिसमें वो वसूली करने में असमर्थ रहे. लोगों ने उपभोक्ताओं ने 40% वसूली. जैसे मान लीजिए अगर उनको 100 घर वो कवर कर रहे हैं तो 40 घर से उनको पैसा कम से कम लेना था जो वो मुश्किल से 25 घर 15 घर 20 घर से ही ले पा रहे हैं. इसकी समीक्षा की गई. समीक्षा के बाद उनको जो पैसा हम हेल्प के रूप में दे रहे थे उसमें से हमने 40% कटौती जो मिनिमम उनको देना चाहिए था वो कर ली है और उसका किस्त बना दिया गया है. सितंबर तक वो सारी कटौती भी हो जाएगी और पुनः एक अनुबंध उनसे दोबारा हो चुका है और वो धीरे धीरे काम पर अपने आ रहे हैं. तो ऐसा कोई घोटाला जैसी बात नहीं है. पूरे प्रदेश में 1,75,00,000 रुपए केवल आगरा नगर निगम में यूजर चार्ज के रूप में वसूला है जब से हम डोर टू डोर कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बात जरूर है कि 40% वसूलना था 40% नहीं वसूल पाए. आज राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़े भाई संजय फौजदार में महानगर अध्यक्ष जी पंडित दुर्गे शुक्ला जी की उपस्थिति में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली 5 कंपनियों के खिलाफ यहाँ एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें हमने उन पर जांच की मांग की है. साथ ही अवगत कराया है कि अगर 7 दिनों के अंदर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी जिसके लिए शासन प्रशासन दोषी होगा. ऐसा है राष्ट्रीय लोकदल संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि ये जो है आवाज़ है गरीब की है और हमेशा से इसका इतिहास रहा है राष्ट्रीय लोकदल का कि परम सिद्धेव स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने आवाज़ उठाई थी तो किसान और मजदूर और अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाई थी. इस आवाज़ को राष्ट्रीय लोकदल बंद करने का काम करेगी. मंडल आयुक्त जी को गौरव वाल्मीकि जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और इन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय लोकदल नगर निगम पर धरना और प्रदर्शन करेगी. ऐसा इसकी जानकारी है. गौरव वाल्मीकि जी को पूरी जानकारी है, हम लोगों को भी जानकारी है, हमारे पास तथ्य हैं. तथ्य के आधार पर इस लड़ाई को हमने छेड़ा है क्योंकि वास्तविकता से ये देखा जा रहा है घोटाला हुआ है. जो 5 कंपनियां हैं वो जो है इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं. इसमें क्या, इसमें जो मेयर साहब जो भारतीय जनता पार्टी से मेयर हैं तो उन्हें जो है सोचना चाहिए कि वास्तव में जनता की आवाज है तो जनता की आवाज क्यों दबाया जा रहा है. तो इस पे भी उनको जो अमल करने की आवश्यकता है. तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता से योगी जी ने जो अभियान चलाया था स्वच्छता अभियान, तो इसको जो है स्वच्छता अभियान है भाई, कहाँ स्वच्छ दिखाई दे रहा है. कूड़ा के नाम पर तुम जो है घोटाला कर रहे हो, इसको क्यों दबाया जा रहा है. क्या ऐसा तो नहीं है कि 25% का इसमें शेयर हो, इसमें भ्रष्ट अधिकारी है उसके नाम उनके नाम उजागर होंगे तो कम से कम बात तो खुलेगी. कम से कम तथ्य सामने आनी चाहिए जनता के सामने जो है कि वास्तविकता से ये गलत हो रहा है. गरीब का पैसा है, इसमें जो न्याय होना चाहिए जरूरी अत्यावश्यकता है. जब तक न्याय नहीं मिलेगा राष्ट्रीय लोकदल जंग अपनी जारी रखेगा. वो तो कह रहे हैं कि जो लोगों को 50 रुपए दे रहे हैं बहुत दिक्कत होती है, पैसे भी नहीं दे रहे हैं वो तो 50 रुपए, वो तो कंपनी फिर भी दे रही है उनको पैसे. ऐसा है इसकी जो जो कंपनी कह रही है, क्या कंपनी की बात को जो जो लोग जो कह रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं. हम लाएंगे नगर निगम पे धरना प्रदर्शन करेंगे. क्या पैसा उन्हें मिलता तो वो क्या वो लोग कहते, नहीं कहते. उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है तभी तो चिल्ला रहे हैं लोग. वहां अगर चिल्लाते नहीं तो आवाज जो है हम तक कैसे आती जो है. जब जब ये आवाज आई है तो उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया तभी तो हम पर आवाज आई है. ये तब इस मांग को हमने उठाया है.